राजघाट थाने की पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को अमरूद मंडी सुधीर निषाद के कार्यालय के निकट से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान कन्हैया कुमार पुत्र परदेशी पासवान निवासी शांति कोनी थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज बिहार, दूसरा मनीष पासवान पुत्र स्वर्गीय जगदीश पासवान निवासी शांत कोनी थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चंपारण बिहार के रूप में हुई है, जिसके पास से 41.5 ग्राम स्मैक को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, टीपी चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल पवन यादव, अर्जुन शर्मा, मनोज सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, इसे ऑपरेशन अमूर्तानी कहा गया है। इस अभियान में अभी तक 3 स्मैक की बिक्री करने वाली विभिन्न गैंगों का पर्दाफाश किया है। इसमें आज तीसरी एक ऐसे अभियुक्त को पकड़ा है जिसमें बिहार से दो लोग यहाँ स्मैक बेचने आए थे, मनीष पासवान और कन्हैया कुमार। ये नरकटियागंज बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से 41.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ये स्मैक यहाँ पे एक सुनील निषाद नाम के व्यक्ति को देने आए थे। सुनील निषाद वहाँ से भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसको वांछित किया है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एवं इन सब लोगों की NDPS एक्ट के अंदर ही प्रावधान है संपत्ति सीज करने का, उनकी सबकी संपत्ति भी, जरायम की दुनिया से कमाई गई सारी संपत्ति को भी सीज किया जाएगा। क्या क्या बरामद? अभी तक इनके पास से 41.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एवं बिहार भी एक टीम भेजी जाएगी जिसके माध्यम से इनका जो पुराना जहाँ तक का नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। सुनील निषाद एवं कुछ उसके अन्य परिवार के सदस्यगण स्मैक बेचने में लिप्त हैं, इसकी जानकारी काफ़ी समय से पुलिस को है। पुलिस समय समय पर उनकी मुखबिर खास की निशानदेही पर दबिश भी दे रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें अच्छी खासी सफलता पुलिस को समय रहते मिलेगी। थैंक यू।